हमारे राजस्थान के राजसमंद जिले में 1109 आंगनवाड़ियाँ कुल है। हम हमेशा आंगनवाड़ियों को लेकर परेशान व दिक्कत में रहते हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी पर किए जाने वाले काम सही तरह से नहीं किए जाते हैं। लेकिन हमारे राजस्थान के राजसमंद जिले के आदर्श ग्राम में एक ऐसी आंगनवाड़ी है जो कि अनोखी नहीं बल्कि निराली है। यहाँ पर काम करने वाली बिल्किस बानू, आइए जानते हैं इनकी कहानी, किस तरह उन्होंने अच्छी मेहनत कर अच्छे स्तर पर आंगनवाड़ी लेकर आई। कितने समय से आप आंगनवाड़ी जो केंद्र है संभाल रही है? मेरे को 12 साल हो गए आंगनवाड़ी से। आंगनवाड़ी को आप बेहतर स्तर पर जो भी है उसको लाने में क्या क्या मुसीबतें और कैसे लाए भाई आप इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पर? जब मुझे आंगनवाड़ी यहाँ सौंपी गई कुछ भी नहीं था, खाली एक भवन बना हुआ था, बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ जो बिल कम्युनिटी के और मेंबर कम्युनिटी के बच्चे हमारे आंगनवाड़ी में आते थे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि उनको पहनने के कपड़े भी नहीं। तो पहली प्रायोरिटी मैंने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था की कि बच्चे आए तो कुछ लगे कि हम स्कूल जा रहे हैं या आंगनवाड़ी जा रहे हैं, इनको अच्छा लगना चाहिए। तो मैंने लोगों के सहयोग से, बामाशाह के सहयोग से गाँव में बात करके सबसे पहले मैंने इनके कपड़ों की व्यवस्था की, सर्दी में स्वेटर की व्यवस्था की और नंगे पैर आ जाते थे इनके लिए जूतों की व्यवस्था की। तो सभी को मेरा ये काम बहुत अच्छा लगा कि बच्चे, अगर हम कुछ माँ बाप कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारे आंगनवाड़ी मैडम ने हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ किया जिससे बच्चे भी यहाँ आना शुरू हुए ज्यादा मात्रा में। आंगनवाड़ी में बच्चों को आप कैसे संभालती है और किस तरह से नए नए तरीके अपनाती है ताकि बच्चे यहाँ पर आ सके? सबसे पहले आते ही उनका प्रार्थना करवानी, व्यायाम करवाना और नहीं नहीं, जैसे कि बच्चा एक ही अगर काम एक ही चीज़ रोज रोज करेंगे बच्चे बोर हो जाएंगे। तो कभी इनके लिए हम शीट पे काम करवाना, कभी बॉक्स में काम करना, कभी सब्जियों के ठप्पे लगाना, तो बच्चों को क्या कि मैडम कल नया करेंगे, उनको इंटरेस्ट आता है और अपने को भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे कुछ सीख रहे हैं। आपके आंगनवाड़ी में इस केंद्र पर खास बात क्या है? मेरा आंगनवाड़ी एक प्राइवेट स्कूल जैसा बना हुआ है। माता पिता बच्चों को छोड़ने आते हैं और माता पिता ही बच्चों को लेके जाते हैं। बेहतर विकास हो रहा है, बेहतर शिक्षा मिल रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आंगनवाड़ी सबसे बेस्ट है। और यही मेरी खास बात है कि जो कोई भी आता है इसको कलर डेकोरेशन बच्चों के लिए जो मैं काम करती हूँ वो देख के सब खुश होते हैं कि हाँ वास्तव में एक आंगनवाड़ी में स्कूल जैसा काम हो रहा है, तो क्यों हम अपने बच्चों को यहाँ भेजें। सबसे बड़ा मेरे यहाँ बच्चों का ठहरा और बच्चों की संख्या में वृद्धि का कारण यही है कि मैं बच्चों के साथ अपना पूरा समय देती हूँ और बच्चों को शिक्षा के लिए तैयार हूँ। रेगुलर प्रयास से और नियंत्रण काम से सब कुछ अच्छा हो सकता है। मैं सभी वीडियो देखने वाले लोगों से अपील करता हूं कि आप भी अपने गांव में चलाए जा रहे हैं आंगनवाड़ियों का सहयोग करें, उसमें मदद करें। मैं शंभू राज सवर, देलोड़ा पंचायत से, इंडिया अनट के लिए।